नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया खबर आई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा की रैली जो है आज़ाद मैदान में करने वाले हैं। अब आज़ाद मैदान में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज़ाद शिव सैनिकों की रैली होगी, ऐसा उनका कहना है। और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जमा होंगे और एक आज़ाद शिवसैनिक के जो अपने आप को फील करेंगे। तो क्या मतलब अभी तक शिवसैनिक आज़ाद नहीं हुए हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सौगरेन थदी से और जानेंगे कि मुख्यमंत्री का जो ये रैली है, दशहरा रैली, किस तरह का होगा। सर, क्या मानते हैं आपको? सर, आपने मुख्यमंत्री का भाषण भी सुना, आपने उनका इंटरव्यू देखा, आपने जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है कि आज़ाद शिवसैनिक यानी बाला साहब की जो आज़ाद शिवसैनिक जो है, अब जो है वो आजाद मैदान से अपना। सर, ये आज़ादी उद्धव ठाकरे करके जो एक बहुत ही कदरू ऐसे एकदम वृत्ति का उनका लीडर था, उससे है। अच्छा। ये आज़ादी जो वो बोल रहे हैं वो बाला साहब के विचारों से नहीं जी, वो उद्धव ठाकरे के विचार आचार से। तो एक तरह से वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस दिन उन्होंने बगावत की उस दिन ही उनकी आज़ादी का ये जो अभियान है वो चालू हो गया। क्योंकि उनको जिस तरह से शिवसेना को लेके जा रहे थे उद्धव ठाकरे, वो नहीं चल रहा था और वो बाला साहब के विचारों के प्रति द्रोह है, ऐसी उनकी भावना थी। तो बाला साहब के विचारों को बचाने के लिए और बाला साहब के विचारों के अनुसार चलने के लिए उनको आज़ादी चाहिए थी उद्धव से। तो उद्धव से आज़ादी उनको मिल गई, उनके साथ जो आए उनको भी मिल गए। तो वो आज़ादी का एक जश्न मनाने चाहिए क्योंकि ये अभी दूसरा साल है। जी, दूसरा साल। और हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि वो शिव तीर्थ के लिए आग्रह नहीं करेंगे, हमारे इसमें बोले थे हम लोग, तो उसे ही हुआ है। तो अभी आज़ाद मैदान पे वो कर रहे हैं। आज़ाद मैदान बहुत बड़ा मैदान है, कम से कम उसकी कैपेसिटी जो है वो 3 लाख तक की है। जी जी, बिल्कुल। और वो भरना मतलब विक्रम हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे जी ने जो बोला है वो आज़ादी की ये है, आजाद शिवसैनिक, वो एकदम सही है और वो जबरदस्त होगा, उसमें कोई दिक्कत। तो क्या लगता है आपको, जो शिवतीर्थ में जो भीड़ जमा होगी वो आज़ाद नहीं होगी? वो आज़ाद नहीं रहेगी, आजाद शिवसैनिक नहीं रहेगी? शिवसैनिक की शिवतीर्थ नहीं ना, वो बंधक रहेंगे उसके, उद्धव के। उद्धव के जो शिवसेना द्रोही विचार है, जो शिवसेना की मूल फिलोसफी है उसके खिलाफ है। अभी वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, अभी वो तुम्हारे समाजवादी जिनके साथ दुश्मनी थी उनके साथ जा रहे, कल MIM के साथ भी जा सकते हैं। MIM के साथ सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि BJP जो है वो MIM को उनके साथ जाने नहीं देगी। जी, BJP MIM को बोले कि तुम्हारा काम क्या है, वोट काटना। तुम्हारा वोट काटना कब सक्सेस होगा? जब तुम इंडिपेंडेंट खड़े रहोगे, क्योंकि वो उनकी BTM है, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको BJP के खिलाफ के जो वोट है वो काटने हैं, तो वो नहीं जाएंगे। और ये बोल सकते हैं कि आ जाओ, मगर ये वो नहीं जाएंगे, वो इनसे शाने। तो अभी उद्धव के पूरे जो आचार विचार इनको अमान्य है उससे आज़ादी मिली है, तो उसका जश्न मनाएंगे वो, बाला साहब के विचारों को याद करेंगे। और एकनाथ शिंदे अभी, सर मैं एक सुझाव, एक अच्छी बात मैं बोलता हूँ कि अजीत दादा के एक मित्र है मेरे, तो वो अजीत दादा के बहुत ही करीब है और मेरा जो कम्युनिकेशन जो भी होता है जी वो उनके थ्रू होता है। मतलब वो कितने करीब है कि मुझे मालूम है कि मैं कितनी बार मैसेजेस देता हूँ तो उसको मुझे रिप्लाई भी अजीत दादा की तरफ से उनके माध्यम से मिलता है। तो मैंने अजीत दादा को मैसेज भेजा था उनके थ्रू कि आप शरद पवार जी का फ़ोन लगाइए, फ़ोटो लगाना बंद करो। राज ने तो बंद किया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने अपना फ़ोटो लगाया और उसकी पुण्य इतनी है कि वो चल गया। मैं बोला आपको अगर फ़ोटो चाहिए तो आप यशवंत राव जी चौहान का लगाओ, शरद पवार का लगाना बंद करो। वो बोलते हैं ना मेरा फोटो ना लगा, नहीं लगाते। मगर उनका गॉडफादर कौन था, उनका गुरु कौन था? तो यशवंत राव जी चौहान थे। तो उनका लगाना शुरू करो और मुझे बहुत आनंद होता है। और मैंने मेरे मित्र को कल बोला तो वो बोला, जैसे ही मैंने उनको बताया कि अपने यशवंत राव जी चौहान का फोटो लगाने की सूचना अनिल ने की है और मुझे लगता है कि उसमें दम है, आप शरद पवार का फोटो लगाना बंद करो, उनके जो गुरु है यशवंत राव चौहान उनका लगाना चालू करो। तो बोले बहुत आइडिया है। और सत्यजी को सर आगे आओ लड़ाई में। मैं वो आज खुश इसलिए हूँ
कि कल जो अजीत दादा का ऐड आया है उसमें शरद पवार का फोटो नहीं है और यशवंत राव चौहान जी का फोटो है। तो सर हम लोग बैठे बैठे जो करते हैं सूचनाएं जुगलबंदी थोड़ा सा कर लेते हैं तो सुबह थोड़ा सा हाँ नहीं वो भी ये लेते हैं दखल लेते हैं और उसका आनंद है मुझे कि अजीत दादा ने वो सुझाव स्वीकार किया। अभी महाराष्ट्र को पता चले कि वो सुझाव मेरा है करके मैंने ऐसे बहुत से लोग अभी आ जाएंगे सलाह लेने के लिए आपसे। लोगों को कुछ मालूम नहीं था अभी भ्रमण ध्वनि शब्द जो है वो इतना यूज होता है मगर शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि भ्रमण ध्वनि शब्द जो है मैंने दिया। मैंने मराठी में पहली बार मेरे एडवर्टाइजमेंट में भ्रमण ध्वनि मोबाइल के लिए यूज किया। हाँ। मोबाइल भ्रमण ध्वनि आज ऐसा हो गया कि खुद वो कंपनियां भी भ्रमण ध्वनि यूज करती है। क्या बात दुनिया भर में भ्रमण ध्वनि हिंदी मराठी सभी भाषाओं में तमिल तेलुगु सब में भ्रमण ध्वनि ही मोबाइल को तो वो मेरी एक बहुत अचीवमेंट है। ये अभी यशवंत राव जी चौहान का फोटो देखकर मैं बहुत खुश होगा। मैं तो क्या अपने मुख्यमंत्री को नहीं सलाह दी नहीं अभी वक्त है थोड़ा अच्छा वक्त है क्या है ना थोड़ा यशवंतराव जी चौहान तो शरद पवार अगर 100 है तो वो 1000 थे जी। उनका व्यक्तिमत्व उनके गुण उनका लीडरशिप वो जो 1000 थे अभी अपने दिखे साहब जो है उनका वो बाला साहब से तुलना नहीं हो सकती। वो थाना के लीडर थे बाला साहब महाराष्ट्र के वो हिंदू हृदय सम्राट थे। ऐसा कोई दूसरा हिंदू हृदय सम्राट नहीं है कि जो सबको चलेगा। मतलब बाला साहब के बदले सावरकर जी का फोटो लगाया तो संघ वाले और सनातन वाले और ब्राह्मण परिवार खुश होंगे मगर बहुजन समाज नाराज हो गए बहुजन समाज नाराज। तो ठीक है ना अभी बाला साहब तो बोलने के लिए आने वाले नहीं है कि मेरा फोटो मत लगाओ धीरे धीरे तो करते रहेंगे और उनको इतना बड़ा होना है कि दिघे साहब के बाद उनका फोटो लगे तो भी लोग खुश होना चाहिए। वो एक अगले साल तक हो जाएगा सर अगला 24 के बाद जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में फिर से वो मुख्यमंत्री होंगे तो बस जो मेलावा होगा विजय मेलावा उसमें शायद बाला साहब का जो है वो फोटो नहीं रहेगा विचार रहेंगे तो विचार रहेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि शिवतीर्थ वर्सेस आजाद मैदान क्योंकि पिछले साल शिवतीर्थ वर्सेस बीकेसी था आपने देखा भी कि पहले उद्धव ठाकरे की सभा हुई इसकी जस्ट बाद मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए वो तो टीवी वाले बोलते हैं ना उनको भाई लाइव करना है हमको तो उनका खत्म होने दो जैसे उनका खत्म होता है आप शुरू करो। तो इस बार क्या देख रहे हैं सर आप वही होगा क्योंकि एकनाथ शिंदे जी बोल चुके हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं वो हमको पता ही है। तो क्या इस बार शिंदे साहब अकेले इस बार फिर से मतलब पहले बोलना शुरू करेंगे उद्धव से पहले नहीं उद्धव का पहले होगा जी उद्धव का पहले होगा क्योंकि क्या है ना कि शिंदे साहब को जवाब देना है वो जो आरोप करेंगे वो तो रड़का नगाते हैं लेकिन क्या आरोप करेंगे तो उनको पता है नहीं फिर भी सर क्या होता है एक आध दूसरा कभी इनको अकल आई तो एक तो दूसरा दूसरा नया भी कुछ एक आधा सेंटेंस आ सकता है कभी आता नहीं है मगर आ सकता है। आप इतने सालों से देख रहे हैं सर शिवाजी पार्क की रैली बाला साहब की भी सभा देखी आपने जो मुद्दाएं ये लोग बोल रहे हैं खाली सिर्फ पार्टी को आरोप प्रत्यारोप करना ही है कि लोगों से लोग आते हैं खाली ये पार्टी की जुगलबंदी देखने के लिए आते हैं कि लोग और कुछ सुनना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की समस्याएं हैं महाराष्ट्र को क्या विकास चाहिए उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता सर क्या लगता है। पब्लिक भी चालू है पब्लिक जो है जी वो वहाँ पे कलगीतुरा या जुगलबंदी देखने के लिए आते हैं। अगर कल समझो राज ठाकरे आज नंबर वन के पॉपुलर नेता है उन्होंने ये अपना एक जो उपरोधिक स्टाइल है वो बदल किया और वो शांति से बोलने लगे कि आता महाराष्ट्राचा ब्लूप्रिंट मी मानतोय त्याच्यामध्ये धरणं इतकी असतील हे इतकी असेल ते इतकी असेल आधा जमा तो आधा उठ जाएगा बोलेगा इसके लिए थोड़े आए हो राज ठाकरे हो तो मसाला चाहिए हमको मतलब राज ठाकरे तो गाली गलौज चाहिए राज ठाकरे तो आरोप प्रत्यारोप चाहिए तो टिंगल चाहिए नकल चाहिए मिमिक्री चाहिए मिमिक्री चाहिए वो कई सभा देखा हूं मैं सर सोनिया जी को जो भी लोकप्रिय नेता होता है वो हमेशा निगेटिव के लिए ही पॉपुलर होता है ज्यादा करके। एक वाजपेयी जैसा अपवाद कि जो पॉजिटिव होते हुए भी लोकप्रिय वक्ता होता है नहीं तो नहीं होता है। तो वैसे ही शिंदे साहब को ये जो बोलेंगे उसके ऊपर अगर घाव करना है तो क्या होता है ना सर ये वैनिटी वैंस रहती है उधर स्टेज के बाजू में वहां वो बैठ के टीवी देखते हैं अब तो मोबाइल में भी देख सकते हैं हाँ मोबाइल भी देख सकते हैं मगर मेरे दिमाग में ऐसा है कि वहां पे भी टीवी चलते हैं वैनिटी वैन में तो वहां पे देखेंगे फिर वो नोन करेंगे कि इसका इसका बोलना है तो वो जो भी बोले है उसका वो प्रतिवाद करेंगे। अभी एकनाथ शिंदे पहले बोले और वो बाद में बोले ऐसा नहीं होगा क्योंकि
इनको तकलीफ उद्योग का ऐसी होगी कि भाई ये पहले अगर बोल गए और उन्होंने सब मुद्दे मेरे खाली पहले ही कर दिए, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऑलमोस्ट उनको मालूम है जी, तो मैं बाद में उसके जवाब में जो बोलूंगा वो इफेक्टिव नहीं है, पहले इफेक्टिव है नहीं उनका भाषण का तरीका। तो बोलेंगे कि मैं कम से कम पहले बोल दूँ, हाथ ऊपर करके कुछ इधर उधर कर दूँ, थोड़ा चलेगा, तो वो पहले बोलेंगे। और टीवी वाले भी चाहते कि वो पहले उनका हो, बाद में मुख्यमंत्री का उत्तर हो। वैन दोनों जगह खड़ी रहती है, खाली बस लिंक करना रहता है। नहीं, ये रहता ही है उनके वैनिटी अपने, ये वो भी वैन दोनों जगह रहेंगे जी सर। तो क्या लगता है कि क्या इस बार जो है दशहरा रैली पे क्या देखने को सुनने को मिलेगा? यहाँ पे 50,000 लोग आएंगे शिव क्षेत्र पर जी, जी। और वहाँ पे करीबन 1.5-2 लाख लोग आएंगे आजाद मैदान पर, वो फर्क तो रहेगा। तो क्या वही पुराना आरोप पत्र रहेगा कि नया? नहीं, कुछ नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा जी। वो आरोप करेंगे वही होंगे, नया आरोप कुछ नहीं होगा। अभी ये ड्रग माफिया वगैरह पकड़ा गया है आज सुबह ललित, क्या वो उसके बारे में थोड़ा सा और एक रेफरेंस मिल जाएगा। और संजय हमेशा की तरह आरोप करता रहे, कल भी कुछ बहुत कुछ किए हैं। हाँ, मगर अभी क्या है, 40 चोरों के सरदार हैं कौन, राहुल दारवेकर को बोल दिए 40 चोरों के सरदार, फैसला नहीं दे रहे। अभी वो भी अस्वस्थ है जी, उसका पैचअप करने का हमने कोशिश किया था, मगर एक मुद्दे पे अड़ गया, नहीं तो आज वो इनके साथ होता, सिंधी साहब के साथ। हाँ, वो गलती किसकी मैं नहीं बता सकता, मगर मैंने बहुत कोशिश की थी और ऐसे बात हो गई थी, नहीं हुआ फाइनली। एक मुद्दे पे आटा, वो कौन सा मुद्दा है वो बोलना मुश्किल है मुझे अभी बोलना, क्योंकि उसमें मैं एक साथ 3 बड़े आदमियों को एक्सपोज कर दूंगा अगर मैं बोला कि कौन से मुद्दे पर ये नहीं गया इनके साथ, वो ठीक नहीं है। ठीक है, चलो ये शिव तीर्थ पे वो अपना जी नाटक करेंगे, यहाँ पे वो प्रति हल्ला करेंगे, ये बस इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। बट आजाद शिवसैनिक जो है, आजाद शिवसैनिक हो जाएंगे इस बार, तो आजाद है ही ना, आजाद आजाद मन की स्थिति है। जब मैंने इनका ये जुगाड़ दिया, छोड़ दिया, तो मैं आजाद हूँ, आजाद ही है सब। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें लिखिए। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जो है अभी नवरात्रि में 9 दिन तक जो है डांडिया का, जो थाने में बहुत बड़ा डांडिया हो रहा है, उसका 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो है कवरेज मैं आपके लोगों के सामने भेजता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे। दिखा रहा हूँ रास रंग 2023 का जो है डांडिया, थाने में मांडेला ग्राउंड पे हो रहा है, खूब धमाल मस्ती खूब हो रही है। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी भी वहाँ पे आ रहे हैं, दरबार इस्माइल दरबार के जो है धुन जो म्यूजिक है उनके धुन पे चल रहा है डांडिया बहुत जोर में। तो हम 15-20 मिनट जो वीडियो भेजते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग पसंद लाइव दिखाते। और मुझे इस डांडिया को ना बुलाया ना बताया, अभी मुझे पता चल रहा है, मैं भी आता था डांडिया, हम दोनों खेलते थे, खेलेंगे लास्ट दिन खेलेंगे हम लोग। तो देखते रहिए, खेलते रहिए, मजा लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।